दोस्तों बात करें बिहार बीएड में आम लोग बहुत पेट आ गई है दोस्तों। यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी भी यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने जारी किया है कि आपको कितने फी पेमेंट पे करनी है, उससे ना कम आपको पे करनी है ना उससे ज़्यादा पे करनी है, बताएंगे वो लिस्ट भी। उससे पहले नाम क्या अपडेट है तो पाँचवें बात करें वेट लिस्ट यहाँ पर जारी हो चुकी है जिसमें नामांकन स्टार्ट है। बात करें यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन के लिए आपको ऑरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना बहुत ही जरूरी है। तो बात करें यहाँ पर पांचवा जो चरण है नामांकन की फिलहाल चल रही है बीएड में 2024 के साथ ओवरसीज बीएड प्रोसेस शास्त्री में नामांकन को लिए के लिए जिसकी लास्ट डेट 28 सितंबर रखी गई है। काउंसलिंग में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स के द्वारा आपको 3 कॉलेज का चयन करना था और मेरिट कॉलेज स्थान बीएड था वो आरक्षण जहाँ लागू के अनुसार आपको कॉलेज व संस्थान आवंटित कर दिया गया है। नामांकन के लिए आपको क्या करनी है तो डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन के लिए अभ्यर्थियों को संबंधित विश्वविद्यालय के व्यापार अधिकारी द्वारा निर्धारित स्थान पर जाना होगा जो उनके डॉक्यूमेंट में अंकित है। डॉक्यूमेंट्स अकेले लेके जाना है तो स्नातक का मार्कशीट, कॉलेज या संस्थान त्याग प्रमाण पत्र यानी माइनर सर्टिफिकेट CLC, जाति प्रमाण पत्र और आवंटित कॉलेज का संस्थान का शुल्क के अनुसार डिमांड ड्राफ्ट जिन्होंने उस प्रकार समय पर नहीं दिया है वो दिया जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे हो किसी प्रकार का यहाँ पर इनके लिए किसी प्रकार का समय से नहीं दिया जाएगा तो इसे डॉक्यूमेंट्स को अपडेट रखनी है। अभ्यर्थी सभी आवश्यक एवं संबंधित दस्तावेज को लेकर जाना है, साथ में मिलान या सत्यापन के लिए मूल प्रति भी ले जाना है। दस्तावेज सत्यापन एवं नामांकन का कार्य 25-28 सितंबर तक चलेगा। जी दोस्तों यहाँ पर शेड्यूल देखो, यहाँ पर आपको 28 सितंबर तक आपको 3000 रुपये पेमेंट करके आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप को यहाँ पे अलॉट करके कंफर्म करके सीट को एडमिशन लेनी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन स्लिप जनरेट आपका हो जाएगा यहाँ पर पूरा ऑफिसर यूनिवर्सिटी के द्वारा, ये भी 28 सितंबर तक आपको कर लेनी है लास्ट सीट नामांकन लेने के लिए। अब दोस्तों बात करें कुछ नोटिफिकेशन यहाँ पे आई है दोस्तों, मैं वो आपको बता दूँ। तो दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे इन्फॉर्मेशन आई, बात करें फी को लेकर बिल्कुल सही सुनो, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर रिगार्डिंग फी को, कॉलेज फी को लेकर के जो टाइम एडमिशन का टाइम। बात करें बहुत से लोग कमेंट करें कि सर फी उनसे ज़्यादा मांग रहा है प्राइवेट कॉलेज वसूल। तो जी दोस्तों अब यहाँ पे बिहार ललित मिथिला यूनिवर्सिटी ने जारी कर दी है कि इससे कम फीस से ज़्यादा फी बिल्कुल नहीं देना है अगर आपसे कोई कॉलेज मांगता है तो कितना फी लग रहा है बीएड के लिए वो ध्यान देंगे। एडमिशन के आपको कितना देना है ये 1 साल का फी है। गवर्नमेंट वुमेंस कॉलेज बात करें गर्दीबाग पटना का फी दोस्तों यहाँ पर है 75,000। वही देख पा रहे हो स्टूडेंट पेड कॉलेज का फी यहाँ पर आला में जो कि है 75,000। बेसिकली पटना में देख पा रहे हो ये मुंडेश्वरी कॉलेज टीचर एजुकेशन का 55,000। इस प्रकार से देखो यहाँ पर आपको सवालों कॉलेज का यहाँ पर दिख रहा है फी, यहाँ पर गंगा ग्लोबल है, सेंट जेवियर कॉलेज ऑफ एजुकेशन का दोस्तों पटना का फी 80,000 है। सभी का अलग अलग फीस, ज़्यादा फी आपको नहीं देनी है। सुरेंद्र बी ए टीचर ट्रेनिंग कॉलेज का फी 50,000 है। इसी तरह से देखो यहाँ पर बहुत सारे कॉलेज आपको देख पा रहे हो, यहाँ पर सारे हमारे टीचर ट्रेनिंग कॉलेज का फी देख पा रहे हो यहाँ पर 30,000 यहाँ पर है। इससे आपको फी नहीं देनी है देख पा रहे नामांकन के लिए बी एड में। और बात करें यहाँ पर इसी प्रकार से देखो बहुत सारा यूनिवर्सिटी है, सारा आप चेकआउट यहाँ पर कर सकते हैं। और कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन तुर्की मुजफ्फरपुर में बात करें जनरल PEC EBC को 12,500, सरकारी कॉलेज इसीलिए SST PH को 4,900 रुपये लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। ये गवर्नमेंट फी कॉलेज का है। प्राइवेट कॉलेज का फी 75,000, जो एफिलेटेड देख पा रहे हो यहाँ पर इसको 40,000 दिया जा रहा है, लेना है आपको यहाँ पर। इस प्रकार उस यहाँ पर देख लो सारे कॉलेज का फी यहाँ पर डाल दिया गया है लिस्ट पूरी देखो 15,000 आभा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज का है। तो इसी प्रकार से देख पा रहे हो कौन कितना फी आपको देना है कहाँ पर वो पूरा यहाँ पर दिया हुआ है। पूरा लिस्ट दोस्तों जारी कर दिया गया है जो कि बहुत अच्छा काम यहाँ पे किया है। मिथिला बीएड कॉलेज ले रहा है 75,000, कौन है 75,000-80,000 उसको लग रहा है 75,000 रखिए यहाँ पर ईयर फी है, आपको 1.5 लाख फी लगेगा बीएड में, जो जाकर 2.5 लाख तक पहुँचे जाइएगा। जो सारा दोस्तों कॉलेज का नाम में देख पा रहे हो सारे कॉलेज का पीछे चेकआउट कर सकते हो देख लो पूरा। गौतम बुद्ध टीचर ट्रेनिंग कॉलेज का 50,000 फी है, तो इससे ज़्यादा फी कोई भी मांगे आपको नहीं देना है। आप सतर्क हो जाओ यहाँ पे देख लो फटाफट, देख रहे हो ना सारा है, पता चल जाएगा कौन गवर्नमेंट है कौन दोस्तों यहाँ पे प्राइवेट है। प्राइवेट का फी 75,000, गवर्नमेंट का फी यहाँ पर है 12,500, देख रहे हो ना CET भागलपुर। इस प्रकार दोस्तों आप पे चेकआउट करके अपना नामांकन आप ले सकते हैं, आपको ठगाएगा नहीं। तो चलो आपने दोस्तों यहाँ से फी लिस्ट यहाँ पे चेकआउट कर ही लिए। अब इसके साथ दोस्तों कटअप जो राली हुआ था फीसों को दोस्तों लेकर के वो भी आपने देख ही लिया होगा। तो फिलहाल ये थी अपडेट, हमने आपको वीडियो बना के इसलिए दोस्तों बताया ये वीडियो ताकि आप इससे ज़्यादा पेमेंट ना करें, पेमेंट आपको कोई भी थके नहीं। तो आपको जितना पेमेंट यहाँ पर दोस्तों कहा जा रहा है आपको इतना ही पेमेंट करनी, ये लिस्ट हमने डेगाम से डाल दिया, आपको लिस्ट वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों फिलहाल ये थी बहुत सारी बात करें यहाँ पर बिहार भी यहाँ पर फिर राउंड नामांकन को लेकर के बात करें, इसमें बहुत कम सीटें बढ़ती थी 6,600 समथिंग कुछ ही 4,000 समथिंग, तो उसको यहाँ पर
हो सकता है फिफ्थ राउंड के बाद यहाँ पर सीटें भी खाली बची, इसमें तो उम्मीद बहुत कम है। तो बहुत सारे कॉलेज में इंडक्शन मीट भी हो गया, नामांकन भी हो गया यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का, और इंडक्शन मीट भी हो गया। ये थी अभी बिहार बीए नामों को लेकर। वीडियो को लाइक करिए, आगे के वीडियोस पाने के चैनल से बने रहिए।